हिना खान जल्दी ही कसौटी जिंदगी दो में कोमोलिका के किरदार में वापसी करने का रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने फिटनेस सीक्रेट्स शेयर किए। हिना ने बताया कि पिछले कुछ सालों में वो फिटनेस फ्रीक हो गई है। बकौल हिना, जब मेरे पास सप्ताह में काम कम रहता है तो मैं हर दिन जिम जाती हूँ। जब कभी शूटिंग के लिए बैक टू बैक ट्रैवलिंग करती हूँ तो सप्ताह में 3 से 4 बार जिम चली जाती हूँ। प्रोटीन आधारित डाइट पर निर्भर रहती हैं हिना। हिना की माने तो फिट रहने में डाइट की बड़ी भूमिका होती है। दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करने वाली हिना कहती हैं, मैं मुख्य रूप से प्रोटीन आधारित डाइट पर निर्भर रहती हूँ। वैसे भी मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, जिससे मेरे मेटाबॉलिज्म को तेज बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ दिन हम चीट भी करते हैं, क्योंकि भारतीय लजीज खानों को देख ललचा जाते हैं। हिना का वर्कआउट प्लान, सप्ताह में 6 दिन और हर दिन कम से कम 1 घंटा वर्कआउट को प्राथमिकता देती हैं। मुख्य वर्कआउट में मिक्स वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, किक बॉक्सिंग और TRX एक्सरसाइज शामिल होते हैं, जो कि बैक, एब्स, कंधे और बाइसेप्स को टारगेट करते हैं। हिना के मुताबिक हार्डकोर वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल फिटनेस, कोर स्ट्रेंथनिंग, किक बॉक्सिंग फिट रहने और एनर्जी लेवल बढ़ाने के सबसे अच्छे वर्कआउट हैं। हिना का डाइट प्लान, हिना के मुताबिक वो अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करती हैं, जिसमें नींबू भी होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट में 1 गिलास फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल जूस, 2 केले, कॉर्नफ्लैक्स लेती है। विकल्प के तौर पर चीज ऑमलेट लेना पसंद करती हैं। हिना कहती हैं कि उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा शामिल होता है। इसे वे सख्ती के साथ फॉलो करती हैं। सिर्फ रविवार के लंच में अपनी डाइट के साथ चीट करती हैं और जो मनपसंद डिश खाती हैं। दिन में 12 गिलास पानी पीती हैं हिना। हिना की माने तो जो हम खाते हैं वे हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। वो कहती हैं, हमारा चेहरा हमारे इंटरनल सिस्टम का आईना है। मैं खूब पानी पीती हूँ, दिन में 2 बार नारियल पानी लेती हूँ, 1 बाउल दही जरूरी होता है, हर दिन 1 आंवला लेती हूँ ताकि मेरा सिस्टम डिटॉक्स होता रहे और चेहरे पर ग्लो दिखता रहे। मैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खाती हूँ, लेकिन सीमित मात्रा में।